गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वैष्णव रिच एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता का फिर से स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी का मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो है लीनियर इक्वेशन का, उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर उसके अंदर कमेंट कीजिए कि कौन सी चीज में मुझे बदलाव लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो लिख दिया है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे हमें इसका इक्वेशन बनाना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो उसको इक्वेशन में दो इक्वेशन बनाने पैर बनाना है। तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू अलग अलग नंबर है, दो अलग अलग नंबर है हमारे पास, टू डिफरेंट नंबर है हमारे पास। उसका डिफरेंस जब पूछा जाता है या डिफरेंस दिया जाता है, और या डिफरेंस ना भी दें लेकिन दो नंबर के बारे में हमें कभी भी दिया हो गया हो और वो दो नंबर हमें ढूंढने हो, तो वो दो नंबर इक्वल तो होंगे नहीं। अगर वो इक्वल है तो बात अलग है, लेकिन इक्वल ज्यादातर इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर दो नंबर दिया है तो अगर वो इक्वल है तो वो एक ही नंबर हो जाता है। तो ये जो दो नंबर दिया हुआ है तो वो दोनों नंबर में एक नंबर बड़ा हो सकता है, एक नंबर छोटा हो सकता है। तो एक हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि एक हायर नंबर होगा दूसरे के कंपैरिजन में और एक लोअर नंबर होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, हम हायर एंड लोअर को हम पहले से ही हम सपोज कर लेंगे ताकि हमें दोनों नंबर के बारे में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कोई भी बड़ा हो सकता है, अगर आपने वन और टू लिया तो कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो आपका छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को माइनस करने की बात आएगी तब आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पहले से ही बड़े नंबर को हम एक्स और छोटे नंबर को वाई सपोज कर लेते हैं, और उसका डिफरेंस हमको दिया हुआ है कि हायर एंड लोअर नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। बहुत ही आसान टॉपिक है, अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन आपको सपोज करने में यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम करेंगे हायर एंड लोअर नंबर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, नानी संख्या ने मोटी संख्या गुजराती में कहिए तो। अहियाँ तमारू पहलू समीकरण तो बनी गयू, यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अभी दूसरा इक्वेशन के लिए दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स, नंबर के पीछे जो वर्ड है उसको ले लो, द अदर। द अदर मीन्स वन नंबर, इसमें एक्स और वाई दो में से कोई भी एक है जो दूसरे से 3 गुना है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा 3 गुना है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो हमने माना था हायर एंड लोअर। तो अभी इन दोनों में से ये लोअर है और ये हायर है, तो हमें पता चल गया अपने आप की अगर हमने इसको लोअर माना है तो ये लोअर जो है उसका 3 टाइम्स करेंगे तब जाके हायर बनेगा, वो तो कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं अभी, क्योंकि हायर को 3 टाइम्स करेंगे तो लोअर बन ही नहीं सकता कभी। तो लोअर को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 टाइम्स आपको पता है कि मल्टीप्लाई 3 करना होता है तो वो हायर नंबर बन जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3y, सो एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ये दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद उसको चेक भी कर लेना है इसी मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर रख के कि हमारा सोल्व किया चीज यहाँ पे प्रूव होता है कि नहीं। और उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर आगे वीडियो बना पाऊँ।